हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया हेयर और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारा सा और इजी सा क्विक DIY लेके। ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप नॉन पेंटर हैं, अगर आपको पेंटिंग आती नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये इतना इजी है, आप ये समर वेकेशन के लिए अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं, उनके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा क्योंकि आजकल पेंटिंग्स इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं मार्केट में, तो फिर ख़रीदना भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम खुद से बना लेते हैं घर पर तो क्या बात है, और अगर इस तरह का बढ़िया सा पेंटिंग आप लगाएँ अपने घर में तो बिलीव में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने खुद किया है। और आप चाहती भी हो अगर बताना सबको तो आप शान से बोल सकते हो कि ये मैंने क्राफ्टिंग किया है। तो बहुत यूज़फुल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा फॉर द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले बता दूं कि इस पेंटिंग के लिए आपको बहुत ही मिनिमम सामान लगेगा। एक तो है आपको कुछ कलर्स लगेंगे, और आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर लगेगा, और एक इस तरह का स्पंज लगेगा, दैट्स ऑल। और थोड़ा वाटर आपको लेना है, जस्ट दैट्स ऑल। आपको कुछ नहीं लगेगा इस प्रोजेक्ट में, आप आसानी से इसे कर सकोगे। और लास्ट में आपको एक ब्रश लगेगा, थोड़ा सा पतला ब्रश, वो आप लास्ट तक देख लीजिए। वेरी सिंपल, दैट्स ऑल। और आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर जगह। आपको ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा थोड़ा लाइट पोर्शन करना पड़ेगा आपको। आपको जहाँ लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा लाइट करना पड़ेगा कलर, आप थोड़ा पानी ले लीजिए, मिक्स करके आपको इस तरह से क्रिएट करना है। तो आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए, बहुत ईजी है, आप आसानी से इस प्रोजेक्ट को कर पाओगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेंटिंग आप बना सकते हो इसको लेके। आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ, चलिए देख लेते हैं पूरा प्रोजेक्ट। अभी सेम चीज़ हम करेंगे ग्रीन कलर को लेके हाफ पोर्शन में। बी केयरफुल अबाउट इट, ज़्यादा उस साइड में ना चला जाए, बस इतना ही ध्यान रखना। और आराम से आप रैंडमली डैप कीजिए बस। अभी आपको एक ब्रश लेना है, उसे ग्रीन कलर पे डिप करना है, और बिल्कुल फॉलो कीजिए मैं किस तरह से इसे पेंट कर रही हूँ। बस आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है मेरा इंस्ट्रक्शंस, दैट्स ऑल। और आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रेडी हो जाएगी। सो गाइज, देखा आपने कितनी आसानी से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रेडी कर लिया है, वो भी बिल्कुल इजी और आसान तरीके से, और परफेक्ट हुआ है। इसका फाइनल लुक्स मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही जल्द। मैं अपने नए मेकओवर प्रोजेक्ट में मैं इस पेंटिंग को यूज़ करने वाली हूँ आफ्टर फ्रेमिंग। सो आप इसको बिल्कुल फ्रेम करवा लीजिए अगर आप चाहते हो तो, और विदाउट फ्रेमिंग भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर द फाइनल लुक्स जब मैं अपने मेकओवर प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करूँगी। तब तक कीप डेकोरेटिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
easily, and your bachchas, chota chota bachchas, if they have their summer project, it will be very helpful for them. Bye, God bless you all.